अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी लॉकडाउन के बाद जो आर्जी तौर पर ट्रेन की सर्विस बहाल हुई है, तो इसके दौरान जो पाकिस्तान रेलवे का ऐप है वो काम नहीं कर रहा। तो ये देखें, ये क्या आ रहा है, वार्निंग, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ रीड आई लेटर। तो इस दौरान अभी आप किस तरह बुक करेंगे टिकट, क्योंकि स्टेशन भी बंद हैं, वहाँ पर बुकिंग नहीं हो रही और ऑनलाइन बुकिंग के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इसी सूरत के अंदर मैं आपको बहुत इजी तरीका बताऊंगा, उस तरीके को आप फॉलो करते हुए इजीली अपने मोबाइल से ही आप बुकिंग कर सकते हैं। तो आप देखते रहें, आपने ऐप यूज़ नहीं करना। ये देखें ऐप, इनका पाकिस्तान रेलवे का ऐप है, ये हैक हो चुका है तकरीबन, या कह सकते हैं कि जैम हो चुका है, अपडेट नहीं हो रहा। तो मैं आपको बहुत ईजी तरीकाकार बताऊँगा और उसके मुताबिक आप घर बैठे बैठे ईज़िली बुकिंग कर सकेंगे। और अब चलते हैं अपने बुकिंग की तरफ। भी देखें, आपको पता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, ऐप्स मौजूद हैं, तो उसके अंदर आपके पास यूसी ब्राउज़ होना चाहिए। यूसी ब्राउज़ को ओपन करेंगे। यूसी ब्राउज़ को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है ई टिकट। तो ई टिकट, बुक ई टिकट पाक रेलवे क्लिक करना है। और इसके बाद जैसे ये लिंक खुल जाएगा, सबसे पहले वाले लिंक को आपने क्लिक करना है, तो ये पाकिस्तान रेलवे की वेबसाइट पे चले जाएंगे और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे साइन इन पे आपने क्लिक कर देना है। तो जो आपकी आईडी है, जो आपने ऐप के अंदर एक बार इन की हुई है, यहाँ का और ऐप का ये फ़र्क है कि सब सेम है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे आपको जब भी आप यूसी ब्राउज़ से बुकिंग करके, तो हमेशा आपको आईडी अपनी इंसर्ट करनी पड़ेगी, पासवर्ड आईडी वगैरह। जबकि ऐप पे आपने एक मरतबा जब ऐप इंस्टॉल किया है, तो उसके अंदर जो, तो ये आपने देखें, ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पर सीटें भी अवेलेबल हैं, यहाँ पर इसका फेयर आ गया, ये बर्थ फेयर आ गया है, ये सीट फेयर आ गया। तो यहाँ पर सेलेक्ट पर जाएँगे, सेलेक्ट पे जाने के बाद ही ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे किसी भी डब्बे के अंदर चले जाएंगे और उसकी फिर आप वही तरीके से सेलेक्ट करने के बाद आगे आप प्रोसेस सारा जानते हैं, इसकी बुकिंग कर लेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।